रिक्वेस्ट आए हैं हम लोग के पास स्कूल के लिए, तो खास करके अभी रोड हमारा और बिजली और पानी ये सबसे पहले प्राथमिकता। और मैंने साथ साथ में जैसे बताया था कि मेरी बहनों लोगों के लिए मैं अपना एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तो फिलहाल अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, बस आने वाले समय में आपको देखिएगा। हम लोग की जितनी सारी कोशिश है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे सपोर्ट जुड़े हुए हैं जनता के लिए, जनता ने जो मुझे अपार प्यार स्नेह दिया है, खास करके काटने की जनता ने, मैं सभी को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन, आपकी बेटी और आपकी दीदी यहाँ पे है, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए मैं हमेशा साथ में दीदी की तरफ पे, बेटी की तरफ पे और बहू की तरफ पे हमेशा आपको साथ। मैम, लोग नए मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आपको देख रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं अब क्या कह सकती हूँ, मैं अभी खास करके मैं अगर मैं आपको बोलूँगी कि मेरे लिए गांडे में मैं विधायिका के रूप में नहीं, मैं आपके हमेशा बेटी के रूप में और हमेशा बहन के रूप में हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सवाल आपने मुझे पूछा है, इसका सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। और ये ऐसा सवाल है कि ये जवाब देने के शायद मैं उस पद पर भी नहीं हूँ जो मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी। चुनावी बिगुल लोग देख रहे हैं कि आपने जो है चुनावी बिगुल तो विधानसभा वाला फूंक दिए हैं, जिस तरह से आप गोड्डा में देखने को मिला और जगह देखने को मिला तस्वीर, तो गांडे का ये दौर है, जीतने के बाद पहली बार आप यहाँ आए हैं, तो क्या साथ में विधानसभा की भी तैयारी होगी? देखिए, विधानसभा की तैयारी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं, खास करके मैंने जैसे आप लोगों ने भी सवाल पूछा था प्राथमिकताएँ क्या हैं, तो वही मेरा रोड है, बिजली है, पानी है, हमारे पुल बहुत सारे हैं जो अभी निर्माण की रास्ते में भी हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, पहले मेरे पास समय अंतराल कम है, और ये 4 महीनों में मुझे बहुत सारा चीज़ लोगों की ज़रूरतें जो उनकी तकलीफ है, उन लोगों को जितना ज़्यादा मैं सुविधा दे सकूँ, मेरा इसी पे ही सारी की सारी ध्यान केंद्रित है और मैं उसी पे ही आगे बढ़ रही हूँ। और आप भी, मैं जिस तरीके से लोगों के साथ बैठ करके ये इसके रूपरेखा बना रही हूँ, ये रूपरेखा का तात्पर्य यही है कि ज़रूरतमंद चीज़ जैसे आपके लिए बिजली की तकलीफ होती है, जल की तकलीफ होती है, रास्ते में चलने की तकलीफ होती है, मेरे लिए ये सबसे बेंगाबाद में आप बताए थे चुनावी दौर में कि वहाँ लड़कियों बालिकाओं के लिए स्कूल, तो उसमें आपकी अभी क्या तैयारी है? देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा है कि स्कूल जो हमारे खास करके चल रहे हैं, उसको और अच्छे, जिस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपको बन ही रहा है, मैं ये अपनी तरफ से मेरा सीएम साहब को रहेगा कि मेरे जितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों के साथ में जुड़ने का कार्यक्रम है, उनको मजबूती एकदम शिक्षा के तौर पर आगे बढ़ाने का काम है, इसको मैं करवाऊंगी। जैसे मैंने डिग्री कॉलेज भी कहा था, हमारे एजुकेशन सेक्टर को आगे लेकर के जाना ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी, सिर्फ लड़कियों बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी, लड़के बच्चे, और क्योंकि शिक्षा अगर सबसे ज़्यादा लोगों को मिलेगी तो वो ज़्यादा मजबूती के साथ अपने पक्ष को भी रख सकेंगे, अपनी बातों को भी रख सकेंगे, तो उन लोगों की शिक्षा पर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है। और स्कूल का है, स्कूल के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं भी उसी तरह से पहले से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी तो क्या गांडे डिग्री कॉलेज की जो आप बात किए थे, क्या वो आपने अब तक कर दिए हैं? या अभी मैंने उसके लिए पूरे प्रोग्राम बना लिए हैं, बस हम लोगों की मीटिंग अभी होनी बाकी है, तो बस मीटिंग करके उसको पूरा फाइनलाइज। एक आखिरी सवाल, जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र में जहाँ आदिवासी समाज के लोग जो दाढ़ी से पानी पी रहे हैं, जो तस्वीरें काफी देखने को मिली थी, उसके लिए क्या कुछ किए हैं अभी तक? देखिए, अब मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सिंचाई के लिए भी जो हम लोगों ने परियोजना भी मेगा लिफ्ट परियोजना चल रही है, और खास करके देखिए गाँव में, क्योंकि अब मुझे मीडिया के माध्यम से ये खबर आ रही थी, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका निजी जैसे बिजली पानी है, पीने का पानी के लिए मेरे अभी मीटिंग करनी बाकी है, और हमारे बहुत सारी योजनाएं आने भी वाली हैं, उन लोगों की रूपरेखा भी बन रही है, और कौन से सुदूरवर्ती हमारे इलाके से छूट जा रहे हैं, वो हम लोग बैठ करके इसके पे निर्धारित करेंगे कि आगे हम लोगों को प्लान किस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि मेगा लिफ्ट की परियोजना किस तरफ आ रही है, किस तरीके उसका रूपरेखा बनाना बाकी है, तो इसको बढ़ाते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और मेरे आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी प्रचार के समय में बहुत गर्मी में भी आप लोगों ने, मीडिया कर्मी लोगों ने अपना साथ दिया था, आप सभी को धन्यवाद है, और गांडे की जनता के साथ पूरी झारखंड की जनता को भी आभार प्रकट करना चाहूँगी। नमस्कार, जोहार।